नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव में दो युवकों के द्वारा ब्लैक मेल कर नकदी सहित 4 लाख के जेवर हड़पने के बाद 2 लाख की मांग करने तथा दुष्कर्म करने में शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कार्रवाई के निर्देश दिए। युवती से दोनों युवक कई हफ्तों से कर रहे थे दुष्कर्म। क्या मामला है? मामला यह है कि मेरे ताऊ जी के बेटे थे, मैंने उनके यहाँ पे लाइट खराब होने के चक्कर में मैंने उनके यहाँ पे फोन चार्जिंग से लगाया था। फोन चार्जिंग से लगाने के बाद भाई ने फोन पकड़ लिया। फोन पकड़ने के बाद में हम लोग फोटो वगैरह उसमें चार्ज थी, वो ब्लैकमेल करते थे कि ये करूँगा वो करूँगा, फोटो वायरल कर दूँगा, वीडियो वायरल कर दूँगा, और धमकी देते थे, पैसों की धमकी देते थे, गहनों की धमकी देते थे। धमकी देने के बाद में उससे 10,000 रुपये भी निकलवा लीजिए, फिर गहने भी निकलवा लीजिए, और फिर भी धमकी देते हैं 2 लाख रुपये और। उनके क्या नाम है? एक लोगों का नाम धर्मेंद्र है, एक लोगों का नाम सूर्यकांत है। मोबाइल फोन किसके घर में लगाया था आपने? ऋषु के यहाँ पे। ऋषु का ये धर्मेंद्र कौन है? धर्मेंद्र मतलब मेरे उसमें गाँव में रहते हैं वो। रिशु का दोस्त है या इसका कोई रिश्तेदार है? रिशु के दोस्त। किस तारीख की घटना है ये? ये है 30 तारीख की घटना। 30 तारीख से लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? हाँ। घर वालों को आपने कब बताई? घर वालों को मतलब मेरी मम्मी खेत पे गई थी, उन्होंने गहने देखे तो मैंने बताई थी। कब? कल परसों हो गए, 8 दिन हो गए। नशीली गोलियाँ भी खिलवाते थे? हाँ। किसको? दादी को? हाँ, दादी को। उससे दादी क्या बीमार हुई है? उसे पैरालाइज हो गई है, इसलिए वो बीमार हो गई है। सर, ये महिला से जो बलात्कार हुआ है, जो ट्वीट हुआ है, उसके संबंध में सर क्या कार्रवाई हुई है? आज दिन में एक ट्वीट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि थाना शमशाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के साथ दो व्यक्तियों ने बलात्कार किया है। तुरंत से उसका संज्ञान लेकर तुरंत से जो पीड़िता थी उसको संपूर्ण सहयोग प्रदान करके इसके अंतर्गत उचित धाराओं के अंतर्गत थाना शमशाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।